क्या है आपस में इनकम्पैटिबल है। तो ये सारे चेंजेस कब कब कि कौन सा ड्रग किससे इंटरैक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से इंजेक्शंस को मिक्स नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आईवी इंजेक्शंस की, आईवी इन्फ्यूजन्स की। और ऐसा क्यों हमें करना है, हमें क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा होने से बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शन हो जाते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये रीजंस क्या है जिनकी वजह से ये इंटरेक्शंस हो रहे हैं या इनकम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स इनको कहते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स मेडिकल के, फार्मेसी के, नर्सिंग के, पैरामेडिकल प्रोफेशन के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। तो आप इसमें ये पॉइंट्स नोट करते जाओगे और पूरी हम लिस्ट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स को साथ में एडमिनिस्टर नहीं करते, एज इन मतलब सेम सिरिंज से अगर आपने एक ड्रग लिया है तो आप उसके बाद उसी सिरिंज में दूसरा मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं। सेकेंड चीज, अगर आपने एक इंजेक्शन एडमिनिस्टर करा है तो इमीडिएटली उसके बाद आप सेकेंड इंजेक्शन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे बिकॉज इन द आईवी इन्फ्यूजन, है ना। तो उससे ऐसा क्यों होगा, बहुत सारे रीजंस की वजह से इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं। जब हम कभी भी फार्माकोलॉजी पढ़ते थे तो हम एक टर्म पढ़ते थे जिसे बोलते थे ड्रग इंटरैक्शंस। तो ड्रग बहुत सारी चीजों से इंटरैक्ट करती है। फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस। ड्रग फूड इंटरेक्शंस भी होता है, ड्रग डिजीज इंटरेक्शंस भी होते हैं, वो बहुत सारी अलग कैटेगरीज में आते हैं जिनको हम डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ये इनकम्पैटिबिलिटी होती क्यों है, सॉरी फॉर दैट, इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज क्यों होते हैं। तो पहला, ड्रग्स क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं डाइल्यूशन होने पे। बहुत सारे ड्रग्स कंसेंट्रेटेड फॉर्म में वायल में प्रेजेंट होते हैं, उनको एज इट इज डोज नहीं करा जाता है, उनको उनके डाइल्यूशंस बनाए जाते हैं। कहीं कहीं पे उनके जो हमारा नॉर्मल सेलाइन है उसको यूज करते हैं, कहीं कहीं स्पेसिफिक हमारे पास स्टेराइल सॉल्यूशंस होते हैं। आप कभी भी ऐसे मेडिकेशंस की बात करेंगे जो इंजेक्टेबल फ्लूइड्स होते हैं उनको हमेशा डाइल्यूट करने के लिए आपको स्टेराइल फ्लूइड्स लेने होते हैं बिकॉज दे आर इंजेक्टेड इन द बॉडी, वो बॉडी में जा रहे हैं। तो ऐसा करने पर कुछ ड्रग्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स का पीएच चेंज होते ही वो क्या हो जाते हैं, एक तरह से वो प्रेसिपिटेट होते हैं, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो फट जाना, या फिर हमें वो ड्रग के ना अलग पार्टिकल्स दिखाई देने लगते हैं, सॉल्यूशन क्लियर नहीं रहता, कुछ कुछ पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। दैट इज प्रॉब्लमैटिक क्योंकि ड्रग का अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन सेम नहीं रहा है, आपकी बॉडी में जाके ये उस तरह फंक्शन नहीं करेगी और मेजर प्रॉब्लम्स भी कर सकती है। बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके पार्टिकुलेट मैटर बॉडी में जाकर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पीएच कंडीशंस प्रेसिपिटेट कर जाएंगे एंड दैट वो बहुत ही ट्रबलसम होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका आयनिक रिएक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगेन आपको ये पार्टिकुलेट मैटर अलग से दिख जाएगा। डीनेचर हो जाती है ड्रग बहुत सारे रीजंस की वजह से, कभी कभी लाइट के एक्सपोजर की वजह से। आप देखते होंगे बहुत सारे वायल्स भी या बहुत सारे ड्रग्स को एम्बर कलर की बॉटल में रखने के लिए स्पेसिफिक मेंशन होता है, कीप इट अवे फ्रॉम लाइट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ड्रग कुड बी एक्सपोज्ड टू डीनेचरेशन, मतलब ड्रग क्या हो सकता है, डीनेचर हो सकता है। और लास्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ड्रग्स को जब आप मिक्स करते हैं या कोई दो इंजेक्शन को आप मिक्स कर रहे हैं तो ड्रग्स उसमें क्या हो सकता है, गैस का एवोल्यूशन हो गया, तो भी समझ में आ रहा है कि हाँ ड्रग्स क्या है, ये आपस में इनकम्पैटिबल है। तो हो सकता है दो ड्रग्स का पीएच डिफरेंट हो जाए मिक्स करने पे, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बना दे, वो डीनेचर हो जाए दो ड्रग्स मिक्स होने पे, या फिर उनसे उनकी वजह से उस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो जिसमें से गैस इवॉल्व हो और दे डायरेक्टली प्रेसिपिटेट ऑन डाइल्यूशन। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ड्रग्स को मिक्स नहीं करा जाता है और उसमें इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। बहुत सारे ड्रग ऐसे भी हैं जिन्हें साथ में बहुत ही आसानी से आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आप देखते होंगे आईवी इन्फ्यूजन बैग्स में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ड्रग्स को, तो वो कोई प्रॉब्लमैटिक कंडीशन नहीं है, बट अ लॉट ऑफ मेडिसिन आर नॉट अलाउड टू बी एडमिनिस्टर्ड टुगेदर। तो मिक्सिंग ऑफ मेडिकेशन जब करना हो स्टार्ट, अगर हम जब स्टार्ट करते हैं जो सिरिंजेस में एक सिरिंज में दो ड्रग ले रहे हैं, एक लिया और दूसरा ड्रग लिया, और अगर ऐसा अलाउड है या नॉर्मली भी जब आप मेडिसिन ले रहे हैं वायर से, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो ऊपर का रबर सील होता है जहां से आप इंजेक्शन ले रहे हो, तो उसको क्लीन कर लीजिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या फिर आयोडोफोर या फिर किसी और एंटीसेप्टिक फ्लूइड से। ऐसा क्यों करते हैं, फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर उसमें कोई भी माइक्रोब है प्रेजेंट तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली प्योरीफाई हो जाएगा या फिर वो एरिया कंप्लीटली स्टेराइल हो जाएगा या फिर सिंपल भाषा में बोले तो क्लीन हो जाएगा, और इससे कोई भी माइक्रोब्स आपके नीडल के अंदर नहीं जाएंगे, आपके सिरिंज के अंदर एंटर नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब अगर आपने दो ड्रग्स
जो इनकम्पैटिबल हैं आपस में उनको मिक्स करा है, तो वो ऐसा क्या दिखेगा आपको कि आप यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये दोनों ड्रग्स आपस में इनकम्पैटिबल है. तो विजुअल चेंजेस दिखाई देते हैं ना, मतलब जो आंख से देख के आप समझ पाओ. तो पहला तो या तो ड्रग का कलर चेंज हो जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है ये क्लियर सोल्यूशन था और यहाँ पे आपको कैसा सोल्यूशन दिख रहा है, थोड़ा सा येलोइश सोल्यूशन दिख रहा है, दिख रहा है येलो कलर का सोल्यूशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके ड्रग का कलर ही चेंज हो गया है दो ड्रग्स मिक्स होने पे. दूसरा क्या है, हेजी अपियरेंस, ये आपका आइडियल कलर है सपोजिंगली और मैं बोलती हूँ आपको कहीं ना कहीं हेजी दिख रहा है, मतलब अनक्लियर. हेजी का मतलब क्या होता है, धुंधला दिखना है ना, नॉट क्लियर. ये क्लियर है अगर ये वाला सोल्यूशन, तो ये क्या है, नॉट क्लियर, साफ नहीं दिख रहा है. प्रेसिपिटेशन, इधर आपको दिख रहा होगा कि ऐसा प्रॉपर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो गए हैं जो धीरे 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 सेडिमेंट हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. तो अगर दो ड्रग्स मिक्स करने में प्रेसिपिटेशन हो रहा है, देन ऑल्सो आपका ड्रग का केमिकल नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया. और सिंपल भाषा में बोले तो ड्रग क्या हो गया आपका, डी नेचर हो गया. अब ये डी नेचर ड्रग हो सकता है हार्मलेस हो, हार्मलेस तो क्या ही होगा, आप जिस चीज के लिए दे रहे हैं वो उसको सॉल्व ही नहीं करेगा, वो पर्पस ही सॉल्व नहीं करेगा, तो ऑलरेडी उस बीमारी में यूजफुल ही नहीं हुआ तो हार्मफुल तो वैसे ही हो गया. सेकेंड, बहुत सारे केसेस में ये जो मिक्सिंग है इनकम्पैटिबल ड्रग्स की, ये बॉडी में जाके बहुत सारे हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस को ट्रिगर कर सकते हैं विच कुड बी लीथल फॉर अ पेशेंट. तो दैट इज वाई वो आपको ऐसे इंजेक्शंस को मिक्स नहीं करना है. नेक्स्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन मैंने बता दिया. नेक्स्ट है चेंज इन विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो विस्कोसिटी का मतलब होता है स्टिकीनेस, है ना, जिसे हम बोलते हैं चिपचिपाहट या स्टिकीनेस. अगर हम बोलते हैं ऑयल है वो ज्यादा स्टिकी है, वाटर में विस्कोसिटी नहीं है, ऑयल में विस्कोसिटी है. तो स्टिकीनेस क्या होता है, अगर विस्कोसिटी या थिकनेस ऑफ द फ्लूइड वो अगर चेंज हो जाता है, देन ऑल्सो आपका ड्रग क्या है, इनकम्पैटिबली मिक्स करा गया है. और डायरेक्टली जैसे यहाँ पे सॉलिड बन गया है ना, तो आपको प्रॉपरली सॉलिड के क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं. अगर ऐसा हो रहा है तो भी दोनों ड्रग्स क्या है, आपस में इनकम्पैटिबल है. तो ये सारे चेंजेस कब कब दिखाई देंगे, दो केसेस में. पहला, या तो ड्रग एक्सपायरी हो चुका है, ड्रग लाइट के कॉन्टैक्ट में आ गया, ड्रग को आपने जिसमें डाइल्यूट करा वो सोल्यूशन उसके लिए इनकम्पैटिबल था, या फिर आपने दो ऐसे ड्रग्स मिक्स करे जिनकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है विच इज लीडिंग टू ये सारे, ऐसा कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा है. तो हम पूरी लिस्ट के पास चलते हैं, कौन कौन सी लिस्ट है, कौन कौन सी ड्रग्स को आपस में एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए. तो आ जाते हैं, ये इनकम्पैटिबिलिटी होती क्यों है, मतलब वाई इज दिस इनकम्पैटिबिलिटी हैपनिंग. इनके साथ में आपको प्रॉपर ड्रग्स के एग्जाम्पल्स भी देने वाली हूँ. तो डायरेक्ट इंट्रैक्शन, मतलब सिंपल सी बात है, आपने ये एक सिरिंज था और इसको आपने दूसरे में मिक्स कर दिया, आपने दो फ्लूइड्स, ये एक वायल से आपने कलेक्ट करा और ये दूसरा वायल था और एक ही सिरिंज में आपने दोनों वायल के फ्लूइड मिक्स कर दिए. डायरेक्ट इंट्रैक्शन मतलब डायरेक्टली आपने दो फ्लूइड्स को मिला दिया. ऐसा कब हो रहा है, टेट्रासाइक्लिन का कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ जब इंट्रैक्शन होता है तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनते हैं जो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं. प्रेसिपिटेट मतलब ये आपने एक सिरिंज लिया, पहले आपने थोड़ा सा फ्लूइड लिया टेट्रासाइक्लिन का, दूसरा आपने यहाँ पे कुछ ऐसा सोल्यूशन लिया जिसमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट थे. तो टोटली जो आपकी टेट्रासाइक्लिन ड्रग है जो कि एक एंटीबायोटिक होता है वो क्या हो जाएगा, उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, ये आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा. प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा तो वो क्या हो गया, ड्रग आपका केमिकली डीनेचर हो गया. टेट्रासाइक्लिन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, आप यूज कर रहे हैं इसको निमोनिया में या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए. तो इन सारे केसेस में अगर आपने इंजेक्शन दिया भी है पर कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ मिक्स कर दिया आईवी फ्लूइड में, तो आपका ड्रग ऑब्वियसली डीनेचर हो जाएगा और इन्फेक्शन को आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे. दूसरी इनकम्पैटिबिलिटी क्यों हो रही है, मैं हर केस में आपको ड्रग्स के नाम देने वाली हूँ सो दैट आपको याद करना इजी हो जाए और ये भी ध्यान में रहे कि हाँ इन इंजेक्शन के साथ ये चीजें नहीं देनी चाहिए. इसके बाद हम मार्केटेड प्रोडक्ट्स पे चलने वाले हैं कि कौन सा मार्केटेड प्रोडक्ट्स आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए इंजेक्शन के फॉर्म में, तो वो लिस्ट भी लंबी है. तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट है इनकम्पैटिबिलिटी क्यों होती है, पहला रीजन था हमारा डायरेक्ट मिक्सिंग कर दिया, दूसरा सॉल्टिंग आउट बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब आपने क्या करा जो ड्रग है उसको किसी न किसी के साथ इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स कर दिया है अपने एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल को, या फिर वो ड्रग आपने लाइट के एक्सपोजर में ले गए, वो मैंने बताया था या डीनेचर हो गया है, तो दैट ड्रग लूजेस इट्स बेसिक केमिकल नेचर, वो ड्रग वैसा नहीं रहा है, ऑब्वियसली उसका नेचर जो है चेंज हो जाएगा. तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी अगर याद हो मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये एंटी फंगल ड्रग है, कैसा है
पॉलीइन एंटीबायोटिक। अगर इसका मैकेनिज्म चेक करना हो तो फार्माकोलॉजी प्लेलिस्ट करके मेरे वीडियो सेक्शन में बना है, उसमें जाइए और बहुत सारे ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के साथ उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मेंशनड है, उसके एनिमेशन वीडियोस भी हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो एम्फोटेरिसिन बी जो कि एंटी फंगल ड्रग है, ये नॉर्मली एक कोलोइडल स्टेट में होता है ना, ऐसा इंजेक्शन आता है इसका, ये आईवी इंजेक्शन 50 mg। पर अगर आप इसको किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ अगर आप मिक्स करते हैं, इन्फ्यूज करते टाइम, इंजेक्ट करते टाइम, तो क्या हो जाता है, ये सॉल्ट के जैसा फॉर्मेशन बना देता है। ये सॉल्ट देखो दिख रहा है, एकदम सॉल्ट के जैसा हो जाता है। तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्रिस्टल्स बन रहे हैं, तो ड्रग क्या हो गया, डीनेचर हो गया है। बहुत बार या तो आपने उसको इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स कर दिया, या फिर आप उसको लाइट के एक्सपोजर में ले गए, तो उसका केमिकल क्या हो जाएगा, नेचर डिग्रेड हो जाएगा। तो एम्फोटेरिसिन बी, इसके पहले था हमारा टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट आ जाते हैं सिफैलोरिडीन। सिफैलोरिडीन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो अगर सिफैलोरिडीन को आप उसके पीएच से ले जाकर आप उसको कहां पे लेके जाते हो, एसिडिक पीएच में, मतलब उसको किसी भी ऐसे सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं जहां पे पीएच कैसा है, एसिडिक, तो आपको क्या दिख रहा है, उसके प्रॉपर पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो जो पहले क्लियर सोल्यूशन था, अब वो क्या बना रहा है, छोटे छोटे पॉलीमर्स। और ये पॉलीमर्स हो सकता है आपको विजिबल लाइट से नहीं दिखाई दे, पर सोल्यूशन का कलर जरूर चेंज हो जाएगा। तो उससे आइडिया लगाना बहुत ईजी है कि आपका जो ड्रग है वो क्या हो गया, डीनेचर हो गया है। और इसको हम कहां यूज करते हैं सिफैलोरिडीन को, इट इज यूज्ड इन ट्रीटिंग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन को यूज करते हैं, ट्रीट करने में यूज करते हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट ऑरल इनकम्पैटिबिलिटी किसमें हो रही है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक मेजर आपका ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक ड्रग है, तो पेनिसिलिन ड्रग भी कॉन्जुगेट कर जाता है अगर आप क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटीन्स के साथ इन्फ्यूज कर रहे हैं। अभी प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स हैं, जब आपने आईवी बैग में यहाँ पेनिसिलिन जी दिया या पेनिसिलिन ड्रग दिया, और यहाँ पे जो इन्फ्यूजन फ्लूइड प्रेजेंट है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एलिनीन, वैलिन, ल्यूसीन, ये सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट है, मैं लिख देती हूँ एलिनीन, ल्यूसीन, हमारे ब्लड कोलोइड्स हो गए, आइसोल्यूसीन, ये सारे नाम सुने हमने इन सभी अमीनो एसिड्स के, तो ये अगर प्रेजेंट है और पेनिसिलिन से मिक्स होता है तो ये भी कॉन्जुगेट का फॉर्मेशन कर लेता है विद प्रोटीन्स ऑफ इन्फ्यूजन टू फॉर्म पोटेंशियल एलर्जेंस। मैंने आपको ये बताया कि पहली बात तो ड्रग आपका डीनेचर हो जाएगा, दूसरा आपका जो ड्रग है वो एक ऐसा कंपाउंड बना लेगा जो हमारी बॉडी के में जाकर हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जी को ट्रिगर करेगा, किसी भी एलर्जिक रिएक्शन को। और जो ऑलरेडी पेशेंट बीमार है उसको आपने एक एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी बर्स दे दिया है, तो उसका कंडीशन तो और वर्स होने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पेनिसिलिन को कहां यूज करते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन में यूज करते हैं, निमोनिया में यूज करते हैं, मेनिनजाइटिस में यूज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर आप ये ड्रग दे रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो इन्फ्यूजन बैग है उसमें प्रोटीन इन्फ्यूजन नहीं प्रेजेंट हो, राइट। तो ये भी हमें कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं करना है। नेक्स्ट है इसमें व्हाई डज दिस इनकम्पैटिबिलिटी हैपन, तो ये इनकम्पैटिबिलिटी क्यों हो रही है। अब लेस ड्रग है हमारा एपिनेफ्रीन, तो एपिनेफ्रीन में क्या कंडीशन है, पीएच चेंजेस की वजह से। एपिनेफ्रीन ड्रग हमारा कैसा होता है, एपिनेफ्रीन देते हैं किसी को हाइपर एलर्जी हो गई, अगर किसी को पे एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, कोई स्नेक बाइट हो गया, कोई एलर्जन एंटर कर गया और उसकी वजह से उस इंसान का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, स्वेलिंग हो रही है पूरी बॉडी में, वाटर रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड्स इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्या देना पड़ता है, एपिनेफ्रीन। और एपिनेफ्रीन देते ही क्या होने लगेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन ईज आउट हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट उसको सांस लेना आसान हो जाएगा, हार्ट रेट उसका नॉर्मल हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें एपिनेफ्रीन करता है बॉडी में। पर अगर आपने एपिनेफ्रीन को क्या किया, लूजेस इट्स एक्टिविटी इमीडिएटली ऑन एडिशन ऑफ 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, मतलब एपिनेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड ऑफ वीक बेस, तो एपिनेफ्रीन क्या है, वीक बेस है। अगर आपने इसके साथ एक एल्कलाइन फ्लूइड ऐड कर दिया जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसकी एक्टिविटी 60% लॉस हो जाएगी। तो सपोजिंगली आपकी जो भी क्वांटिटी ड्रग डॉक्टर ने एडमिनिस्टर करा है वो 60% इनएक्टिव हो गया, तो जो पेशेंट इतना क्रूशियल है, जिसको एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग डिप कर रही है, ये सारी चीजें इतनी वाइटल पैरामीटर्स इफेक्ट हो रहे हैं, और उसको आप ऐसा ड्रग दे देते हो जिसके साथ आपने एल्कलाइन फ्लूइड मिक्स कर दिया है ना,
तो उसकी इफेक्टिविटी कितनी परसेंट कम होगी, 60% ड्रॉप हो गई. नाउ दिस ड्रग विल नॉट बी दैट यूजफुल. अब ये ड्रग 60% इनइफेक्टिव हो गया, मतलब सिर्फ 40% डोज पहुंच रहा है जो आपने एडमिनिस्टर किया है. तो ऑब्वियसली आप वाइटल पैरामीटर्स को अच्छे से सेव नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे किसका रोल है, पीएच का रोल है. ऐसे यहाँ पे एक केस और दिया गया है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड इज एडेड टू एन एसिडिक इन्फ्यूजन, तो भी प्रॉब्लमेटिक है. और यहाँ पे हमारा क्या है, एपिनेफ्रिन कैसा है हमारा, इट इज अ वीक बेस. आपने क्या मिक्स कर दिया इसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन व्हिच इज अ अल्कलाइन फ्लूइड, है ना. तो माइल्डली अल्कलाइन सॉल्ट के साथ आप क्या मिक्स नहीं कर रहे हैं, वीक बेस नहीं मिक्स करना चाहिए. ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपनी ड्रग्स के पास, विटामिन. ओके, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो मार्केट में अवेलेबल है, कौन सी इंजेक्शन ऐसे हैं जिनको नहीं मिक्स करना चाहिए. जैसे कि सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन मेडिकेशन है ओंडांसेट्रोन, या ओंडेम के नाम से आपने सुना होगा. तो ये इंजेक्शन कब दिया जाता है, मोस्टली जो लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा नोजिया जैसा फीलिंग हो रहा है, तो इन दैट केसेस ओंडेम इज एडमिनिस्टर्ड. तो ओंडेम के साथ कोई भी और इंजेक्शन आप एडमिनिस्टर नहीं करेंगे. मतलब एक पहली बात तो आप एक सिरिंज, लोगों की आदत क्या होती है, बहुत ही नॉर्मल कॉमन हमने देखा भी होगा, उतना मेडिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते हैं कि एक वायल से आपने एक सिरिंज लगाया, इंजेक्शन विड्रॉ करा थोड़ा, और दूसरे वायल से सेम सिरिंज लगा के आपने विड्रॉ करा. इसमें क्या हो रहा है, सेम सिरिंज के अंदर आपने दो इंजेक्शन ऐड कर दिए, इंजेक्शन वन एंड इंजेक्शन टू, मतलब दो ड्रग्स ऐड कर दिया. तो ये आपस में केमिकली इंटरैक्ट करेंगे, या तो वो एक दूसरे को डीनेचर कर देंगे, या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देंगे, या फिर एक ऐसा कंपाउंड बना देंगे जो बॉडी में जाके एलर्जन हो जाएगा. इन एनी केस ये हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि आपके ड्रग की इफेक्टिविटी कम हुई तो भी आपको ड्रग उतना काम नहीं करेगा आपकी बॉडी में, कुछ और एलर्जन बन गया तो उल्टा ही वो और कुछ ट्रिगर कर देगा. तो ओंडेंसेट्रोन की यूज करते हैं नोजिया और वॉमिटिंग में, पर इसको भी हमें किसी और के साथ एडमिनिस्टर नहीं करना है. ये सिर्फ और सिर्फ कैसे देना है, अलोन विदाउट एनी अदर ड्रग, तो ये किसी और के साथ एडमिनिस्टर नहीं करना है. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा डाइक्लोफेनाक पर टेटनस प्लस टेटनस. तो मोस्टली क्या होता है, किसी को भी अगर कोई काफी ज्यादा इंजरी हुआ है या थोड़ा चोट लग गई है, जिसकी वजह से उसको पहली बात तो वो इंजरी सपोज एक्सीडेंट से हुआ या फिर कुछ ऐसा रस्टी चीज से लग गई, रस्टी मतलब जंग वाली चीज से लग गई, तो क्या प्रेफर करा जाता है कि आप टेटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए. एट द सेम टाइम अगर उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उस एरिया में, एक्सीडेंटल केस है, तो इंजेक्शन किसका दिया जाता है, डाइक्लोफेनाक का दिया जाता है, जो कि हमारा क्या है, एनएसएडी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है. तो ये दोनों इंजेक्शन को साथ में एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो टेटनस का जो इंजेक्शन है इसकी इफेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इफेक्टिवनेस लॉस हो जाएगी. तो टेटनस का मेडिसिन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, जो बहुत ही क्रूशियल है. अगर यू हैव एनकाउंटर्ड सम काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट तो बहुत जरूरी है उस समय पे. तो टेटनस का इंजेक्शन का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा. और दिखाई कैसे देगा, जब आप इन दोनों ड्रग्स को सेम वायल में मिक्स करेंगे, या तो उस इंजेक्शन का कलर चेंज हो जाएगा, या तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, या मिल्की कलर बनेगा, सॉलिड्स बन जाएंगे, या विस्कोसिटी, मतलब इनमें से आपको कोई ना कोई साइन दिखाई देगा विजुअली, तो समझ में आ जाता है ऑलरेडी कि हाँ ये ड्रग्स क्या है, इनकम्पैटिबल है. बहुत बार दो ड्रग्स को मिक्स करते इमीडिएटली ये रिएक्शन नहीं दिखते हैं, पर अगर आप कुछ समय देखेंगे तो कुछ समय के बाद दैट विल बी विजिबल, मतलब प्रॉपरली शेक करोगे तो आपको ये सारी चीजें ऐसे दिख जाएंगी. ठीक है, तो डाइक्लोफेनाक और टेटनस को साथ में एडमिनिस्टर नहीं करना है, सेपरेटली करिए आफ्टर अ टाइम ऑफ इंटरवल, है ना, देन यू कैन गिव. तब आप कर सकते हो कि पहले टेटनस का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ समय बाद आपने डाइक्लोफेनाक एडमिनिस्टर करा है, तो थोड़ा सा गैप के बाद आपको ये एडमिनिस्टर करना है. नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीविटामिन इंजेक्शन. तो मोस्टली मल्टीविटामिन इंजेक्शन को बोलते हैं कि हाँ नॉर्मल सेलाइन के साथ दे सकते हैं, विच इज ओके, पर डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सेलाइन डीएनएस डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सेलाइन इनके साथ एडमिनिस्टर नहीं करते हैं. बहुत सारी चीजें कॉमन प्रैक्टिस में होता है कि हाँ ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है, डीएनएस एनएस किसी भी इंजेक्ट कर रहे हैं, बट देन जो वॉट इज बाय द बुक, क्योंकि बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन वेरिएबल करते हैं पर्सन टू पर्सन ऑल्सो, किसी में वो हाइपरसेंसिटिविटी इफेक्ट देगा, किसी में वो हाइपरसेंसिटिविटी इफेक्ट नहीं देगा. तो बेस्ट है कि आप इस इंजेक्शन को भी किसी के साथ एडमिनिस्टर ना करें, इंडिविजुअली करें, नॉर्मल सेलाइन से डाइल्यूट करके या उसके इन्फ्यूजन बैग में.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं डाइक्लोफिनेक और H2 ब्लॉकर्स। तो डाइक्लोफिनेक कैसा ड्रग है हमारा? एनएसएड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। और रानिटिडिन कैसा है हमारा? H2 ब्लॉकर, राइट। ये पता है हमें। रानिटिडिन क्यों यूज करते हैं हम लोग? अगर फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो रानिटिडिन दिया जाता है जब किसी को पेप्टिक अल्सर हो जाता है, किसी को एसिडिटी हो रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टर्म्स, हार्ट बर्न हो रहा है ना, इनडाइजेशन हो रहा है, ये आप देख लो, एक बार नोट कर लो, इनडाइजेशन हो रहा है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, GERD भी बोलते हैं, GORD भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो रहा है, और मेनली अल्सर। और डाइक्लोफिनेक कब देते हैं? एक्सट्रीम पेन के केसेस में। तो ये दोनों इंजेक्शन को भी आपको साथ में मिक्स नहीं करना है, मतलब एडमिनिस्टर नहीं करना है, सेम सिरिंज में नहीं लेना है, सेम इन्फ्यूजन में नहीं लेना है, जो IV बैग्स होते हैं उनमें भी एडमिनिस्टर नहीं करना है, और सेम सिरिंज में भी नहीं लेना है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग्स। अगेन अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाली हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लास्ट तक स्टिक करना, क्योंकि लास्ट में मैंने पूरा आपको एक चार्ट दिखाया है कौन कौन से ड्रग्स का प्रोबेबल इंटरेक्शन है, और मैंने वेबसाइट भी मेंशन करी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है किसी भी फार्मासिस्ट के लिए, किसी भी फार्माकोलॉजिस्ट के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी भी नर्सिंग प्रोफेशन, पैरामेडिकल स्टाफ, किसी के लिए भी बहुत ही इम्पॉसिबल है कि वो सारे इनकम्पैटिबल ड्रग ट्रांसफ्यूजन या फिर ड्रग इंटरेक्शन को याद कर ले। तो एक प्रॉपर वेबसाइट है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो एवरी टाइम यू आर अबाउट टू एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन, और मैंने एक प्रॉपर चार्ट भी दिया है, तो उससे भी देख सकते हैं कि आप कौन से इंजेक्शन को साथ में एडमिनिस्टर कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन करे हैं जो मतलब रोजमर्रा में, हाँ ये बहुत ही कॉमन से इंजेक्शन जो दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो डाइक्लोफिनेक इज ऑल्सो वन ऑफ देम। नेक्स्ट है हमारा डाइक्लोफिनेक और PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कौन सा है? पैंटाप्रोजोल। इनको भी साथ में नहीं देंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी हम यूज करते हैं गैस रिलीफ करने में, अल्सर को ट्रीट करने में, है ना, GERD को ट्रीट करने में, राइट, और स्टमक इन्फेक्शन, स्टमक पेन को ट्रीट करने में, तो ये सारी चीजों में दे रहे हैं। और NSAID है हमारा डाइक्लोफिनेक, जो कि पेन रिलीवर है। इन दोनों ड्रग्स को भी हमें साथ में नहीं देना है। बेसिकली अगर मान के चले तो डाइक्लोफिनेक को हमें किसी भी और ऐसे ड्रग के साथ नहीं देना है, सो दैट उसका इफेक्टिविटी कम नहीं हो और वो डीनेचर नहीं हो। नेक्स्ट आ जाते हैं पैंटोप्रोजोल एंड अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ये हम कब देते हैं? इन सारे केसेस। देखो यहाँ लिखा हुआ है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस मतलब मेनिनजेस में इन्फेक्शन होना, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है। ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाए, एब्डोमिनल एरिया में इन्फेक्शन हो जाए, लंग, स्किन, बोन्स, जॉइंट, UTI, कहीं भी अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक ड्रग है। तो देखो साथ के साथ यहाँ पे ये भी रिवाइज करते जा रहे हैं कि कौन सा ड्रग किस कौन से फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पैंटोप्रोजोल, अजोल, अभी मैं एक बार एक लेक्चर इस पे भी करने वाली हूँ कि कौन सा ड्रग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि कौन सा ड्रग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, और कौन सी डिजीज को ट्रीट करने में यूज होगा। तो ये अजोल है, पैंटोप्रोजोल है, अगेन अभी हमने पढ़ा था प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो ये किसको यूज हो रहा है ट्रीट करने में? हमारा अल्सर को, सॉरी, ये हमारे इसको ट्रीट कर रहा है अल्सर को, GERD, गैस रिलीफ। तो इन दोनों मेडिसिन को भी साथ में एडमिनिस्टर नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पैंटोप्रोजोल और ओंडांसेट्रोन। अभी मैंने डिस्कस किया था कि ओंडान को हम नहीं दे रहे हैं किसी के साथ, तो ओंडांसेट्रोन आप कंपाउंड देख लेना, कहीं ओंडम के नाम से, यहाँ पे इंसिट्रॉन के नाम से है। तो ये इंजेक्शन बुरे नहीं है, ये इंजेक्शन बिल्कुल बहुत इफेक्टिव है, पर ये इंजेक्शन आपको साथ में नहीं देने, मतलब कॉम्बिनेशन में नहीं देने। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है? DI, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, DDI, ठीक है। हम ड्रग फूड इंटरेक्शन में भी डिस्कस करेंगे और ड्रग डिजीज इंटरेक्शन में भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये दोनों डी का मतलब है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा, क्यों ये नोजिया वॉमिटिंग के लिए यूज हो रहा है ओंडांसेट्रोन, और ये यूज हो रहा है हमारा GERD वगैरह के लिए और स्टमक के इश्यूज के लिए। इनको भी साथ में एडमिनिस्टर नहीं करना है ना, डिफरेंटली एडमिनिस्टर करना है, अलग अलग एक टाइम गैप के बाद। ओंडांसेट्रोन और रानिटिडिन को भी हम साथ में इंजेक्ट नहीं देंगे। रानिटिडिन अभी हमने पढ़ा था कैसा था? H2 ब्लॉकर था। तो रानिटिडिन और ओंडांसेट्रोन को नहीं ले रहे हैं। अगर आप ये जो मैं वेबसाइट बनाने वाली हूँ लास्ट में, उसमें जाके खुद से चेक भी कर सकते हो, ओंडांसेट्रोन रानिटिडिन ऐड करिए और दिखाएगा सीवियरिटी मॉडरेट, मतलब अगर ये बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा है, पर इसमें साफ साफ लिखा है कैन बी डिक्रीज। तो ओंडांसेट्रोन का मेटाबॉलिज्म
अगर हम फार्माकोलॉजी में आते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है जब इसके साथ आप रैनिडिन दे देते हैं, तो ऑंडेंसेट्रोन का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो ड्रग उतनी इफेक्टिव नहीं है पहली बार। और वो जब आप मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, या तो ड्रग हमारा डिग्रेड होकर बॉडी से लॉस हो रहा है या फिर हमारा ड्रग एक्टिवेट हो रहा है, ईदर ऑफ द फॉर्म उसके आप अब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन ये सारे पैरामीटर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग इज डिस्टर्ब्ड, दैट इज व्हाई यहां सब लिखा है सीवियरिटी इज मॉडरेट, दीज टू ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन टुगेदर, ऑनडान और रैनिडिन साथ में नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्यूस्कोपैन। ब्यूस्कोपैन इंजेक्शन कब देते हैं, पीरियड क्रैम्स में या स्टमक क्रैम्स में। बेसिकली ये फंक्शन कैसे करता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब स्टमक और उसके एसोसिएट्स जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनको और हमारे यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करता है। बेसिकली किस कैटेगरी का ड्रग है, एंटी स्पाज्मोडिक, स्पाज्म को रिलीव करता है ना, रिलैक्स करता है बॉडी को, तो क्रैम्स ऑब्वियसली ईज आउट हो जाते हैं और वो पेन फील नहीं होता है। तो ब्यूस्कोपैन को भी किसी और ड्रग के साथ एडमिनिस्टर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कैसे एडमिनिस्टर करना है, इंडिविजुअली, ठीक है। अब इसके कोई भी ड्रग जो मैं बता रही हूँ ना, उसके अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब मैं बोलूंगी ये ड्रग किसी और के साथ नहीं देना, हो सकता है ये ड्रग बी के साथ आप देंगे तो वो कुछ रिएक्शन कॉज कर दे बॉडी में, ड्रग सी के साथ देंगे तो हो सकता है सिर्फ डीनेचर करके आपके ड्रग की इफेक्टिवनेस कम कर दे, इन एनी केस वो कुछ प्रॉब्लम तो कर ही रहा है, तो बेस्ट है कि वो ड्रग आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लुकेस इंजेक्शन, है ना, कोएगुलेस इंजेक्शन। तो एक तो इसके नाम से समझ में आ रहा था मीनिंग क्या है, हीमो और कोएगुलेस क्या होता है, कोएगुलेशन, और किसका कोएगुलेशन हो रहा है, हीम का, हीम मतलब ब्लड। तो ये ड्रग क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देता है, और ब्लड क्लॉटिंग अगर हो रही है तो ब्लीडिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग और ब्लीडिंग ऑपोजिट होते हैं, तो ये क्या कर रहा है, हमारा इसका यूज क्या हुआ, ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, कोई गायनेकोलॉजिकल केसेस मतलब डिलीवरी के टाइम पे कोई और सर्जरी हुआ है या कोई डेंटल सर्जरी हुआ है आपका, उन किसी भी केसेस में जब ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है तो ये ड्रग देंगे तो ये क्या करेगा, क्लॉटिंग प्रोसेस को फास्ट कर देगा, है ना, ब्लड क्लॉटिंग को फास्ट कर देगा, ये इसका फंक्शन है। इसको भी किसी भी और ड्रग के साथ एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, नहीं तो इस ड्रग के भी इफेक्टिविटी कम होगी और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हो सकता है ब्लीडिंग नहीं रुके और वो फेटल भी हो जाए, दैट इज वाई इसको भी किसी भी और के साथ मिक्स नहीं करेंगे। और ये होता क्या है, ये जो ड्रग है ना, ये आपका एंजाइम का मिक्सचर होता है, क्योंकि हमें पता है अगर हमने कोगुलेशन पढ़ा है अच्छे से ब्लड का, तो हमें पता है बहुत सारे फैक्टर्स और एंजाइम्स का रोल होता है ब्लड को कोगुलेट करवाने में, तो ये एंजाइम्स है, इन्हें हम किसी और के साथ मिक्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा फ्यूरिसेमाइड इंजेक्शन। तो फ्यूरिसेमाइड कहां से आ रहा है, हमने पढ़े थे डायबिटिक्स में, लूप डायबिटिक। लूप डायबिटिक का फंक्शन क्या होता है, बॉडी में एक्सेसिव वॉल्यूम अगर हो गया है तो उसको रिलीव करना, है ना, उसको क्या करना, बॉडी से लॉस कर देना या फिर रिलीज कर देना। तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, वॉल्यूम ओवरलोड हो गया है ब्लड में, या फिर नॉर्मली भी कहीं पे भी वाटर रिटेंशन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं एडिमा, वाटर रिटेंशन। तो इसके साथ साथ ये सारे टर्म्स भी हम रिवाइज करते जा रहे हैं, किसकी वजह से ये वाटर रिटेंशन या वॉल्यूम ओवरलोड हो क्यों रहा है, या तो CHF हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर लिवर फेलियर, रीनल फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मतलब किडनीज में जो नेफ्रॉन होते हैं, इनमें से किसी में भी अगर प्रॉब्लम है, मेनली देखो मेन फंक्शन होता है हमारा हार्ट का ब्लड पंप करना, और किडनीज का फंक्शन होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, मतलब जो एक्सेसिव वाटर है उसे रिलीज कर देना, और जितना वाटर रिक्वायर्ड है उसको बॉडी में रिटेन करना या फिर रीअब्सॉर्ब करना। तो अगर वाटर का वॉल्यूम एक्सेसिव हो रहा है बॉडी में, उसे रिलीज करना है, तो हम ड्रग्स दे रहे हैं, तो इसको भी हम किसी और के साथ एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो शुड बी गिवन अलोन। तो नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसको भी हम किसी और ड्रग के साथ एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली देते हैं। सेम फॉर पोटेशियम क्लोराइड, इसको भी आप कैसा देंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली, इसको भी आप किसी भी और डोज के साथ मिक्स नहीं करेंगे। सेम गोज फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी आपका कैसा होगा, अलोन एडमिनिस्टर करा जाएगा, किसी और के साथ एडमिनिस्टर नहीं करा जाएगा। लेक्चर के एंड में डिस्कस करने वाले हैं पूरे चार्ट को और वो वेबसाइट को। तो नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रामिडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, इसको भी हम किसी और के साथ एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने उस वेबसाइट पे जिसकी मैं बात कर रही थी, ड्रग इंटरैक्शन चेकर। तो ये वेबसाइट है, आप इस URL को फॉलो कर सकते हैं, इस URL पे जाइए और इसको जाके चेक करिए। यहाँ पे ये ऑप्शन देगा, पहले ड्रग का नाम ऐड करेंगे जो भी आपको लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे रैनिडिन और ऑंडेंसेट्रॉन का चेक किया था,
एंटर करोगे अपने आप यहाँ पर लिख करा जाएगा, दूसरा ड्रग टाइप करना शुरू करना अपने आप से वो ड्रग के दो तीन ऑप्शन दिखा देगा कि आप उसको सॉल्ट फॉर्म में दे रहे हैं, आईवी में दे रहे हैं, कितना परसेंटेज दे रहे हैं, वो सारे ऑप्शन ये दिखा देगा, उसको सिलेक्ट करिएगा और ये नीचे और चेक इंटरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इंटरेक्शन दिखाएगा। मैंने बताया था किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है ये याद करना, है ना, कि कौन सा ड्रग किससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो सबसे अच्छी बात है जब भी आप एडमिनिस्टर करें बहुत ही हैंडी चीज है, आप दोनों ड्रग्स को ऐड करिए और एक बार चेक करिए, आपको वहां पर इंटरेक्शन दिख जाएगा। ऑल दो ये वेबसाइट जो ड्रग बैंक है ये साफ साफ कहता है, जो हम लोग भी कहते हैं, जो कोई भी कहता है कि कभी भी कोई मेडिकल एडवाइस खुद से नहीं लेनी चाहिए, हर बार केस टू केस डिफर करता है कि किसको कौन सा इंजेक्शन कैसे दिया जा रहा है। थर्ड चीज, अगर ये वेबसाइट कहती है कि हाँ कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, अगर लेकर आता है नो इंटरेक्शन, तो भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, सिर्फ इसको फॉलो नहीं करना है और एक मेडिकल एडवाइस को ही यूज करना है, तो कभी भी सेल्फ डोजिंग नहीं करिए। अब हम आ जाते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट हमारे लेक्चर के, इस चार्ट पे जिसमें साफ साफ दिया गया कौन सी ड्रग्स किसके साथ मिक्स करना है। अगर ये नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा इसको मैं जूम करती हूँ, आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। और लेट्स सी इसको थोड़ा सा हम और जूम कर लेते हैं, ठीक है, आई थिंक सो अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में क्या प्रेजेंट है, दोनों तरफ में कुछ ना कुछ ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, है ना, दोनों तरफ पे आपके कुछ ना कुछ ड्रग्स के नाम मेंशन है और इनका इंटरेक्शन उसमें दिया गया है। आई थिंक सो ये विजिबल है, यस, ठीक है, हाँ अभी लिख रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है एलबी, जो ड्रग्स के नाम यहाँ मेंशन है ना वो सारे ड्रग्स के नाम यहाँ सेम मेंशन करे गए हैं। अब यहाँ पे ब्लैक ब्लैक क्यों करा गया, ऑब्वियसली वो सेम ही ड्रग है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, लिखा एल्यूमिन लिखा एल्यूमिन तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है जो ड्रग ये ड्रग, तो ये ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दिए कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि सेम ड्रग लिखी हुई है, तो सेम ड्रग तो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगी। पर हाँ यहाँ जो ड्रग है और इसके आगे जैसे मैं बोलूं एल्यूमिन और यहाँ पे लिखा गया है आपका एल्टीप्लेस एक्टिवेटर या फिर टीपीए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एट्रोपीन और इधर आ जाते हैं हम यस में लिखा है इधर एर्गेट्रोबैन और आगे चलते हैं, सो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉसिबल है ऐसे तो देखना, राइट इधर लिखा हुआ है हिपेरिन, ये अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है हिपेरिन, हिपेरिन ये लिखा है फ्यूरोसेमाइड। अब हिपेरिन का आपका इंटरेक्शन यहाँ लिखा है यस, किसके साथ हो रहा है, लिखा है फ्यूरोसेमाइड, तो हिपेरिन और फ्यूरोसेमाइड क्या कर रहे हैं आपस में इंटरेक्शन शो करेंगे, तो इन दोनों ड्रग्स को साथ में इंजेक्ट नहीं करते। तो जितनी जगह देखो यहाँ पे अभी बहुत ड्रग के नाम नहीं दिख रहे, मैं इसको अटैच कर दूंगी, जितनी जगह वाई 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 लिखा है मतलब यस इट इज शोइंग द इंटरेक्शन, जहां पे लिखा है एन मतलब इट इज नॉट शोइंग इंटरेक्शन, और जहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क है उसका मतलब है कि इसके बारे में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं जो डेटा अवेलेबल नहीं है वो कभी आगे होगा भी नहीं, तो ये वेबसाइट अपडेट होती रहती है हमेशा। अब यहाँ लिखा है जैसे मॉर्फिन, ये मैं इसको दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ड्रग है आपका मॉर्फिन, आई थिंक सो अभी विजिबल होगा, ये रहा, ठीक है, तो ये रहा हमारा ड्रग मॉर्फिन और ये लिखा है वाई वाई वाई, मतलब ये मोस्टली सब में इंटरेक्शन दे रहा है, सारे ड्रग्स में इंटरेक्शन दे रहा है, चाहे एट्रोपीन हो चाहे कैल्शियम क्लोराइड हो कोई भी ड्रग हो चाहे डोपामीन हो सबके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सारे ड्रग्स सेम ड्रग्स को लेफ्ट और राइट रखा गया और उनके इंटरेक्शन चेक करे गए हैं, तो इस तरह के बहुत सारे टेबल्स आपको मिल जाएंगे जो अभी तक के डेटा के हिसाब से अवेलेबल है। अगेन मैंने बोला कभी भी सिर्फ इसके साथ मत जाइएगा, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस वेबसाइट को चेक करिए, इसमें ड्रग्स के नाम ऐड करिए और यहाँ पे आपको इंटरेक्शन दिख जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, प्लीज चेक दिस आउट, इसको जरूर से चेक करिए जाके, ठीक है, और टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता, एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक था और इस तरह के और सारे टॉपिक्स को लेकर आएंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जैसे ये आपका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है तो इस तरह से सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे। थैंक यू।